सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसी में अब तक आंकड़े सामने आ चुके हैं। 1 बजे तक के तीसरा चरण है आज यूपी में, जहां फिरोजाबाद में 1 बजे तक 38.24% मतदान हो गए हैं। कासगंज में 37.56% मतदान हो गए हैं। कानपुर देहात में 34.44% मतदान हो गए हैं। मैनपुरी में 1 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो वहीं झांसी में 32.86% मतदान पूरा हो चुका है। हमीरपुर में 36.32% मतदान हुआ है। जालौन में 37.43% मतदान हुआ। फरुखाबाद में 41.24% मतदान पूरा हो चुका है। कानपुर में 29% मतदान पूरा हुआ। एटा में 42.31% मतदान पूरा हुआ। मैनपुरी में 41.14% मतदान पूरा हो चुका है। हाथरस में 36.61% मतदान पूरा हो चुका है। कुल 35.88% 1 बजे तक मतदान पूरा हो चुका है तीसरे चरण का। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का मतदान है और 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 35.88% मतदान संपन्न हुआ 1 बजे तक। फरुखाबाद में 41.24% मतदान पूरा हो चुका है। इटावा 32.26%, फिरोजाबाद 38.24%, एटा 42.31%, कन्नौज 37% मतदान, कानपुर नगर 29%, कानपुर देहात 34.44%, औरैया 33.37%, महोबा 38.12% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ। हमीरपुर में 36.32% मतदान 1 बजे तक पूरा हो चुका है। फरुखाबाद 41.24%, कासगंज 37.56%, जालौन 37.43%, कन्नौज 37.01% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ। सभी जिलों से 16 जिलों से आंकड़े सामने आ चुके हैं। 1 बजे तक कानपुर नगर 29%, कानपुर देहात 34.44%, औरैया 33.37%, महोबा 38.12%, हमीरपुर 36.32%, ललितपुर 42.05%, झांसी 32.86% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ। फरुखाबाद, कासगंज, जालौन, हाथरस सभी के आंकड़े 1 बजे तक के सामने आ चुके हैं। इटावा, फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज सभी के आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कुल 35.88% मतदान 1 बजे तक संपन्न हो चुका है तीसरे चरण में जो मतदान हो रहे हैं। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर जहां आज 627 प्रत्याशी अपनी किस्मत का फैसला होने वाला है। आज ईवीएम में कैद होंगी 627 प्रत्याशियों की किस्मत। 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कानपुर नगर में 29% मतदान हो चुका है। कानपुर देहात 34.44%, महोबा 38.12%, हमीरपुर 36.32%, ललितपुर 42.05%, झांसी 32% मतदान 1 बजे तक संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाने वाले एक दोषी के पिता, उसके परिवार का संबंध सपा से है। रविवार को यूपी में तीसरे चरण के मतदान के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा की जुबान इसलिए बंद है क्योंकि आतंकी के पिता के रिश्ते सपा से हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कल भी कहा, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अबू जान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। पार्टी की दिशा बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना
भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी फुटवाई स्ट्रेटेजी से चलती है। उन्हें पता है, मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। यूपी में चुनाव है, ऐसे में आरोपों का दौर तो चलता ही रहेगा। यूपी में तीसरे चरण का मतदान भी जारी है आज सुबह से। वहीं 16 जिलों की 59 सीटों पर लगातार मतदान, अपने मतों का प्रयोग कर रहे मतदाता। और इसी कड़ी में सियासी दिग्गज भी मतदान केंद्रों के लिए पहुंचे और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। छठवीं बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। आपने नेताजी का आशीर्वाद लिया, आपने भतीजे को आशीर्वाद दिया कि नहीं? अभी भेंट होगी, अभी वो भी वोट डालने आएंगे, हम भी वोट डालेंगे, पूरा परिवार वोट डालेगा, सबसे भेंट होगी और सबसे बड़ों से सबसे आशीर्वाद और अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाएगा और मुझे तो लगता है कि 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें निकालेगा। उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तुम चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, पांच में, छठ में, सात में फेज में जो भी सीटें मिलेंगी वे हमारी सरप्लस होंगी। योगी जी 80-20 की क्या बात करते हैं? योगी जी जानते हैं कि 80% हमें वोट मिल रहा है, उन्हें 20% वे मूर्ख हैं। अब अरे अरे वो क्या कह रहे हैं उनको, अब मत, अब उनकी बात मत किया करो, छोड़ो, अब अखिलेश की बात करो, वो क्या कह रहे हैं छोड़िए। पूरे थर्ड फेज के मतदाताओं से आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि इस योगी के दुष्ट शासन को, निकृष्ट शासन को खत्म करने का वक्त आ गया है। इतनी जोर से बटन दबाइए कि साइकिल सबको ध्वस्त करती हुई आगे बढ़ जाए। तो आपने सुना कि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने क्या कहा। उन्होंने दोनों ने दम भरा कि इस बार सपा की सरकार आ रही है और वोट की अपील भी की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।